हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, कोविड का टाइम चल रहा है, ये वक्त सबके लिए बहुत ही बुरा चल रहा है। ओके, मतलब किसी न किसी एंगल से, किसी के लिए फैमिली के हिसाब, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी के लिए मेंटली, किसी के लिए फाइनेंशियली। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और यही प्रे करूँगा कि आप सब लोग भी हेल्दी रहें, सुखी रहें, खुश रहें, और सबसे जो मतलब जो बेस्ट है वो है कि आप डिमोरलाइज ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही लेके चलें, पॉजिटिव माइंड लेके चलें। ओके, तो आप लोग सब हेल्दी रहें। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, लास्ट संडे मैंने वीडियो पब्लिश किया था, उसमें मैंने बताया था कि मैं आईटी में आया कैसे, किस तरह से आया, और ये भी बताया था कि मैं मुंबई में मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी। ओके, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, सिर्फ उस कंपनी का ही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी बनाऊंगा, बट एज पर द एक्सपीरियंस बनाने वाला हूँ। ओके, तो अब मैं मुंबई आ गया। जिस दिन मैं मुंबई आया, एक्चुअली देखा जाए तो सबसे मतलब मेरे लिए पहला वो दिन ऐसा था जो स्ट्रगलिंग वाला दिन था, क्योंकि मैं एक तो लोकल ट्रेन से होके आया था मुंबई सेंट्रल से, मुझे थाना स्टेशन उतरना था, और थाना स्टेशन आई थिंक थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, तो मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ यहाँ पर वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो जो पहला दिन था ना, वो मेरे लिए इतना स्ट्रगलिंग वाला दिन था कि मैं एक तो लोकल ट्रांसपोर्ट जो था वो यूज़ करते हुए थाना स्टेशन आया था, कहाँ से, मुंबई सेंट्रल से। और जैसे तैसे मैं एक्चुअली मैं जो फर्स्ट डे आया था, मेरा तो कोई रिलेटिव यहाँ रहता नहीं था और कोई फ्रेंड भी नहीं रहता था, तो मेरे दिल्ली में जो फ्रेंड है ना, उसके सिस्टर और जीजाजी रहते थे थाने में, भिवंडी साइड में। तो उसने जो है, मेरे फ्रेंड जो है, उसने बात करी थी अपने सिस्टर और जीजाजी से, और मैं उनके यहाँ रहने चला गया था। तो उस दिन जो फर्स्ट डे में जैसे धक्का उक्के खा के लोकल ट्रेन में जैसे तैसे मैं पहुंचा ना, उस दिन मुझे रात को एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि भाई आज फर्स्ट डे ही जो है मुंबई में आके मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ा आने के लिए, तो हो सकता है कि आगे की मेरी लाइफ भी ऐसे ही चले। ओके, तो चलो ये तो था। नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस ज्वाइन किया, तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जर्मन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ज्वाइन हुआ था एज एन डेस्कटॉप इंजीनियर, और मेरा डेजिग्नेशन जो था डेस्कटॉप इंजीनियर का, वो एज एन एग्जीक्यूटिव आईटी था। ओके, और ये भी मैंने बताया कि मैं कौन मुझे लेके आया था फर्स्ट कंपनी में, किन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, उनके साथ रह के ना मुझे यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा काफ़ी कुछ। तो दो महीने मैंने उनके साथ थोड़ा बहुत सीखा ऑफिस एनवायरनमेंट, ऑफिस में जो लोग थे उस टाइम 60 यूज़र्स थे, उनके लैपटॉप डेस्कटॉप ये सब देखना, रिपेयर करना, ट्रबल शूट करना, ये सब बेसिक थोड़ा बहुत मैंने सीखा। दो महीने के बाद ना वो दो हफ्ते की छुट्टी पे चले गए। अब मेरे सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार मुझे तो सिर्फ दो महीना हुआ है और दो हफ्ते की छुट्टी, मतलब उनके लिए तो वो तो चलो ठीक है, मेरे बॉस तो छुट्टी पे चले गए, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग ये था कि मैं दो हफ्ते निकालूँ कैसे, क्योंकि आपको तो पता ही है एंड यूज़र का रिक्वायरमेंट ऐसा ऐसा रहता है ना, तो गाली भी देने लगते हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो दो हफ्ते ना मतलब पब्लिक ने इतना गाली दिया मुझे, उनके लिए तो क्या था, मैं एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं और मेरा बॉस ही जानते थे कि भाई मैं फ्रेशर था। ओके, मैं फ्रेशर हूँ और मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ, कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। ओके, तो मैं आ गया, दो हफ्ते मैंने कैसे कैसे हर प्रॉब्लम के लिए अपने बॉस को फ़ोन करता कि ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है, और पब्लिक ने दो हफ्ते इतना गाली दिया ना मुझे, अरे तू डेस्कटॉप इंजीनियर है, आईटी में जॉब करता है, तेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, किसने तेरे को हायर किया, कैसे तू हायर हुआ, ये वो सो करके रेपुटेशन, मतलब पब्लिक ने मेरा दो हफ्ते में एकदम पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करी, बट कैसे कैसे मैंने मैनेज कर लिया। फिर दो हफ्ते के बाद मेरा बॉस छुट्टी पे आया, छुट्टी से वापस आया, फिर बॉस जब छुट्टी से आया ना, तो उन्होंने बोला कि संदीप मैं ना तीन महीने के बाद या तीन या चार महीने के बाद मैं अपना ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दिल्ली में। ओके, तो तेरे पास 3 से 4 महीने हैं अपने आप को थोड़ा और इस इन्वायरमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करने का, और यहाँ के जो इश्यूज़ है वो बेसिक ट्रबल शूटिंग को मतलब ट्रबल शूट करके सॉल्व करना। अब मैं वही टेंशन में, यार अभी तो जस्ट करियर स्टार्ट हुआ, अभी बॉस ट्रांसफ़र ले रहा है अपना, तो बॉस ने ये भी बोला था कि मैं एक एक्सपीरियंस जो है डेस्कटॉप इंजीनियर ले लूँगा ताकि थोड़ा तुझे सपोर्ट मिले। तो मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छा है। तो जाने से पहले जो है एक दो साल का एक्सपीरियंस एक डेस्कटॉप इंजीनियर उन्होंने हायर किया था। ओके, तो मेरा कलीग बन गया था। तो हम दोनों ने मिल के काम किया, थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस आए हम लोगों के, हम दोनों के लिए भले वो एक्सपीरियंस वाला था, लेकिन उसको भी ऑब्वियसली आईटी एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पर आप कुछ भी 100% अगर आप मतलब सीख ही नहीं सकते हो, मतलब बहुत वास्ट है एक्चुअली आईटी, कहते हैं ना आईटी वर्ल्ड बहुत छोटा है, लेकिन सीखने के लिए इतना ज़्यादा नहीं कि आप हर चीज़ नहीं सीख सकते। ओके, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग अलग होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, कुछ का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, कुछ का जो है आपको ढूंढना पड़ता है। तो कैसे कैसे फिर बॉस ने ट्रांसफ़र ले लिया, फिर जो मेरा कलीग था हम दोनों मिल के काम करने लगे,
इस तरह से एक साल निकाले। एक साल में मैं उस इन्वायरमेंट में उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी कुछ सीख गया था और काफ़ी मैंने अपने आप को ग्रूम किया, काफ़ी ग्रो किया, काफ़ी कुछ सीखी मैंने। फिर 2 साल निकाले, फिर 3 साल निकाले। 3 साल के परफॉर्मेंस के बाद फिर मुझे एग्जीक्यूटिव आईटी से मुझे सीनियर एग्जीक्यूटिव आईटी का प्रमोशन दे दिया गया। ओके, तो 3 साल हो गए। अब मैं कंफर्ट जोन में आ चुका था उस कंपनी में। कंफर्ट जोन मतलब मैं ये सोच रहा था, मैं ऐसा सोचने लगा था कि यार अब मुझे रिटायरमेंट इसी कंपनी में निकालना है, दैट्स इट। मैंने ऐसा सोच लिया था। 3 साल हो गए, मेरा सीनियर एग्जीक्यूटिव आईटी में मेरा प्रमोशन हो गया। फिर 4th साल निकाला और मैंने इंप्रूवमेंट करे। अब मैं खुद से इंप्रूवमेंट करने लग गया था 2 साल या 3 साल के बाद की एरियाज ढूंढने लग गया था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, तो मैं एरिया ढूंढने लग गया था कि कहाँ पर जो है यूज़र को मैनुअल एफर्ट ज़्यादा लगता है, उस चीज़ को ऑटोमेट किया जाए। तो इस तरह से मैंने इंप्रूवमेंट करते करते फिर 4th साल निकाला, फिर 5वां साल निकाला। 5वें साल में फिर जो है मैनेजमेंट ने मुझे जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव आईटी से मुझे असिस्टेंट मैनेजर आईटी का डेजिग्नेशन दिया, यानी कि मेरा फिर प्रमोशन हुआ। ओके, अनफॉर्चुनेटली जो मेरा कलीग था उसका प्रमोशन नहीं हो पाया। आई सीरियसली डोंट नो क्यों नहीं हो पाया, बट इन 5 सालों में मेरा एग्जीक्यूटिव आईटी से असिस्टेंट मैनेजर आईटी तक का मैंने सफ़र तय कर लिया था। अब मेरे पास एक अच्छा खासा डेजिग्नेशन था, सैलरी भी ठीक ठाक हर साल बढ़ जाती थी क्योंकि नॉन आईटी कंपनी थी, और मैं काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट भी कर रहा था। इन 5 सालों में मुझे 2 साल अवार्ड भी मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस का, तो काफ़ी मतलब लोग तारीफ करते थे मेरी अभी कि यार संदीप बेस्ट आईटी इंजीनियर है, कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ सॉल्व कर देता है ये वो। अब क्या हुआ, ऐसे करते करते 2014 आ गया। 2008 से लेकर 2014 तक का सफ़र में कुछ चैलेंजेस आए जो मैं उनको मतलब एक तरह से उनको डील करता हुआ, लेकिन साथ साथ मेरी लाइफ एक स्मूथ भी चलती रही क्योंकि मैं कंफर्ट जोन में आ गया था उस कंपनी में। सब कुछ 9 to 6 की जॉब थी, 6 डे वर्किंग था, सब कुछ ठीक चल रहा था। ओके, चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, बट ऐसा कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं था कि जो है लाइफ हिल जाए करके। तो 2014 आ गया, 2014 में मेरी शादी हो गई, फैब मंथ के आसपास मेरी शादी हुई थी, फैब मंथ में। एंड देन उसके बाद जुलाई का महीना है, जून या जुलाई 2014, तो क्या हुआ, हमारे जो बॉस थे ना, उन्होंने सारे आईटी इंजीनियर को मिलके एक मीटिंग ली। और नॉर्मली हमारे बॉस ऐसे मीटिंग लेते नहीं थे ग्रुप में, वो फर्स्ट टाइम ऐसा सीन आया था कि हमारे बॉस ने सारे आईटी जितने भी ब्रांचेस थे इंडिया में सारे आईटी इंजीनियर्स को, कुछ तो मेरे ख्याल से 9 या 10 तो आईटी के बंदे थे जो हम लोग पूरे इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर संभालते थे। ओके, तो उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने एक बुरी खबर बताई। बुरी खबर ये थी कि उन्होंने बोला कि देखो हमारी जो कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो आउटसोर्स करने वाली कंपनी किसी दूसरी कंपनी को देने वाली है। अब वो जो कंपनी है ना, वो हमारे इन हाउस आईटी के बंदों को लेने वाली नहीं है। मतलब सीधा सीधा हमारे बॉस ने बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई तुम्हारे पास 1 से 1.5 साल है, यानी कि 2015 दिसंबर एंड तक का टाइम है, 1.5 साल तक का टाइम कि हम सब लोग जॉब स्विच कर लें, कहीं पर जॉब ढूंढ लें। अब मैं टेंशन में, ये मेरी लाइफ का मतलब जो 5.5 साल तब तक निकाल चुका था मैं, ये मेरी लाइफ में 5.5 साल के बाद एक ऐसा मोड़ आया मतलब कि मैं डीमोरलाइज होने लगा। डीमोरलाइज में ये होने लगा कि यार अभी शादी हुई, मतलब एक तरह से एक सेकंड लाइफ मैंने स्टार्ट करी थी और तभी जो है अब जॉब चेंज करने की बात आ रही थी। अब सबसे बड़ा मुझे टेंशन क्या हो रही थी कि यार एक तो इन 5.5 सालों में मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था बाहर। क्यों? क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बोला कंफर्ट जोन में आ गया था, और ये नेचुरल है जब आप किसी कंफर्ट जोन में आते हो ना तो आप ट्राई नहीं करते हो, कोई सेकंड थॉट आता ही नहीं आपके दिमाग में कि यार आपको ट्राई करना चाहिए। आप कहते हो कि चलो यार लाइफ निकल रही है ना, तो चलो इसी लाइफ को निकालते हैं। मेरे साथ भी वैसे ही था कि मैंने बोला था ना कि ऐसा लग रहा था कि रिटायरमेंट इसी कंपनी में निकालूंगा मैं। तो 2014 में जब बॉस ने ऐसा बोला, तब उस दिन से मतलब कुछ जून या जुलाई 2014 में ये बात बोली, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगा, मैं थोड़ा डीमोरलाइज होने लगा कि यार अब लाइफ आगे कैसे चलेगी। अब दिमाग में ये आ रहा था कि यही प्रोफाइल, या तो मुझे इसी टाइप का प्रोफाइल जो है दूसरी किसी कंपनी में मिलना चाहिए, या तो फिर अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर मुझे आईटी इंडस्ट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए। अब दोनों में मैंने डिफ्रेंशिएट स्टार्ट किया कि अगर ये कंपनी है तो मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और आईटी इंडस्ट्री में अगर जाना है तो उसके लिए क्या करना है अपने को क्या। तो फिर मैंने ऐसे स्टार्टिंग में मैंने 2014 के मतलब आफ्टर जुलाई, मिड जुलाई मतलब सॉरी मिड ईयर के बाद, जुलाई के बाद मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए। 3-4 इंटरव्यूज़ दिए जो मेरे करंट जो फील्ड था उससे रिलेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली सब जगह मैं रिजेक्ट हुआ क्योंकि हर एक कंपनी का मतलब मैंने जैसे बोला ना, मतलब क्या होता है कि कंपनीज जो है रिज्यूमे में जो JD रहता है ना उसमें इतना सब कुछ लिखते हैं लेकिन करवाते सब कुछ नहीं है। तो इस तरह का प्रोफाइल ना जो जो मैं यहाँ मैनेज कर रहा था वो दूसरी जगह मुझे नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से मैं रिजेक्ट हो रहा था। 3 या 4 मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे 2014 में करंट प्रोफाइल को लेके, रिजेक्ट हुआ था। साथ ही साथ मैं जॉब अपने को प्रिपेयर भी कर रहा था कि मुझे ये वाला प्रोफाइल मिल सके।
जब तीन चार इंटरव्यूज दिए ना अराउंड 2014 अक्टूबर या नवंबर निकल गया, तब मैंने डिसाइड किया कि भाई अब ये प्रोफाइल तो मुझे नहीं मिलने वाला मार्केट में, अब अपने को फोकस करना चाहिए आईटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। आईटी इंडस्ट्रीज़ में मैंने मार्केट में रिसर्च किया कि कैसे वहाँ पर जाना है, क्या उसके लिए स्किल्स चाहिए ये सब। तो मैंने ये देखा कि आईटी इंडस्ट्रीज़ में जो है आपको किसी एक या दो टेक्नोलॉजीज़ में आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। अब टेक्नोलॉजी मैं जो इन हाउस में था, मैं इन हाउस आईटी में, वहाँ पर तो ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी था नहीं। वहाँ पर तो सिंपल सा डेस्कटॉप और लैपटॉप और हार्डवेयर, नेटवर्क, ये सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ता था इन हाउस का लोकल नेटवर्क। ओके, और जो वहाँ पर गिन चुन के तीन या चार सर्वर थे, उनमें से एक रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर था जो हमारे कुछ काम के लिए नहीं था, कुछ काम मतलब इन टर्म्स ऑफ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ था नहीं इतना। ओके, और एक दो डेटाबेस सर्वर्स थे और वही चीज़ हम लोग हैंडल करते थे, एक फाइल सर्वर था वहाँ पर। ओके, तो ऑब्वियसली जहाँ पर इतना छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ स्कोप रहता नहीं है सीखने के लिए। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं कंफर्ट जोन में आ चुका था। तो फिर 2014 के अक्टूबर नवंबर के आसपास ने मैंने डिसाइड किया कि आईटी इंडस्ट्री में ट्राई करता हूँ और वहीं पर फोकस करता हूँ। मैंने उसके लिए स्किल्स की लिस्ट बनाई कि कौन सी स्किल्स में मुझे अपने आप को एक्सपर्टाइज बनाना है या कौन सी चीज़ सीखनी है। तो मैंने एक विंडोज़ सर्वर्स का चूज़ किया, फिर एक्सचेंज का, फिर CCNA का मैंने चूज़ किया, फिर वर्चुअलाइजेशन का। अब ये सब, ये जो चार टेक्नोलॉजी मैंने चूज़ करी थी ना, इसमें से मैंने चूज़ करा विंडोज़ सर्वर का। तो विंडोज़ सर्वर 2008 उस टाइम पे 2012 का मैंने जो है ट्रेनिंग लिया पहले 3 महीने का। अपने ट्रेनिंग के साथ साथ मैं रात रात को प्रिपरेशन करता था क्योंकि मुझे आईटी इंडस्ट्री में अभी जॉब ढूंढनी थी। तो ऐसा करते करते ट्रेनिंग लेते लेते दिसंबर 2014 ख़त्म हो गया, 2015 में मैं आ गया। 2015 में फिर मैंने क्या किया, 2012 जो सर्वर था उसका जो है सर्टिफिकेशन दिया। सर्टिफिकेशन देने के बाद फिर मैं इंटरव्यूज़ देने लगा। तो 2015 जनवरी से लेकर और मई 2015 तक मैं जॉब ढूंढता रहा और हार्डली मैंने 3 या 4 इंटरव्यूज़ की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी जहाँ पर मैं रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट होने का यहाँ पर रीज़न था, 2 रीज़न। एक टेक्निकल, क्योंकि मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था विंडोज़ का। ओके, सिर्फ थियोरटिकल था और थियोरटिकल में भी शायद मैं इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। दूसरा जो मेरा एक रीज़न था रिजेक्ट होने का, वो था मेरा एजुकेशन। अब आप सोच रहे होंगे यार एजुकेशन कैसे फेलियर हो सकता है, ये कैसे रिजेक्शन का रीज़न हो सकता है। हम सभी लोग बोलते हैं ना कि यार एजुकेट होना चाहिए, एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, आपको जॉब में हेल्प करता है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे लिए जो मैंने एजुकेशन लिया है ना, वो मेरे लिए एक तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है आज की डेट में, जस्ट बिकॉज कि मुझे ईजिली जॉब नहीं मिलता है। ओके, अब वो कैसे मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया है और कैसे किस तरह से मुझे नेक्स्ट कंपनी में जॉब मिली और क्यों एजुकेशन मेरे लिए मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मेरे लिए कैसा प्रॉब्लम बन चुका है ये और कैसे मैं इससे डील करने की कोशिश करता हूँ, कैसे मैं दूसरी जगह स्विच करता हूँ, ये मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। कि नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैं सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, किस तरह से वहाँ पर मुझे जॉब मिली और मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आए। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 में इस वीडियो में कि फर्स्ट कंपनी का जो एक्सपीरियंस था, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, बट एक तरह से ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो फर्स्ट कंपनी का एक्सपीरियंस था 6.5 साल का, ये मेरे लिए एक तरह से कंफर्ट जोन वाला था। और सडनली लास्ट का जो आखिरी 1 साल था उसमें थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में था, डीमोरलाइज हो गया था और उसका रीज़न भी मैंने बताया कि क्यों डीमोरलाइज हुआ था। और मैंने ये भी बताया कि मैंने 6.5 सालों में, यानी कि स्टार्टिंग के 5.5 सालों में बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया था जॉब ढूंढने का, और किस तरह से मुझे सेकंड जॉब मिली वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये था फर्स्ट कंपनी का एक्सपीरियंस, आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, जो कि मैं नेक्स्ट वीक संडे के दिन मैं इसको पब्लिश करने वाला हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया होगा, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो मेरे बाकी के जो एज्यूर के वीडियोस हैं वो सीख सकें और उनको एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।